सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं कि गाइस अगर आप लोग Instagram में अगर अपनी रील्स को अगर आप स्टोरी में लगाते हो तो वहाँ पे गाइस एक यूजर नेम आपका और जो रील्स लोगो है वो शो होता है। बट गाइस अभी कुछ टाइम से एक ट्रिक चल रही थी कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करके अगर उसको आप डिलीट के ऑप्शन पे ले जाकर वहाँ पे डबल टैप करते तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। बट गाइस अभी क्या हुआ है कि नया चीज नया मतलब ग्लिच आया कि अगर आप लोग अगर आप उस टैक्स को ले जाएगा वहाँ पे डबल टैप करके डिलीट करोगे तो गाइस वो जो कुछ भी वहाँ पे रिमूव नहीं होगा। और अगर गाइस अगर आप लोग वहाँ से मतलब कि स्पीकर वाले ऑप्शन में से अगर कोई स्पीकर ला के और वहाँ पे डबल टैप कर डिलीट करोगे तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब गाइस ये क्या है मतलब कि प्रॉब्लम ऐसा क्यों हो रहा है गाइस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और गाइस आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ स्टार्टिंग में कि गाइस इसमें जो मैं आपको दो सोल्यूशन बताऊंगा ठीक है, इन दो सोल्यूशन में क्या होगा कि गाइस आपको मतलब कि दोनों में 24 आवर्स का टाइम मिलेगा। अब दोनों में से एक ना एक मेल आपकी चेक होगी ठीक है, मतलब कि दो में से एक ही मेल चेक होगी क्योंकि हम अलग अलग तरीके से करेंगे। तो ये जो है आप लोगों को दोनों में से किसी एक को जो है मतलब कि आप जब अंदर दोनों जब सेंड करोगे तो आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर में एक जो है मतलब रिक्वेस्ट आपकी चेक होगी एंड उसमें जो एक्सेप्ट कर ली जाएगी एंड जिसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट गाइस वो आपको कैसे करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। एंड गाइस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मतलब आपको जो ये ऑप्शन मतलब कि 100% मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद और आप लोग जो ये ट्रिक जो है मेरी मतलब अगर आप फॉलो करोगे तो बस आपको थोड़ा सा टाइम देके मतलब देखना है एंड आप वीडियो को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी चीजें जो कि मैं गाइस आपको बीच बीच में बताऊंगा तो आप लोगों को उस चीज़ों को ध्यान रखना है और उसको वैसे ही करना है ठीक है। तो आप लोग अगर चाहो तो दूसरे फोन में अगर आप अपना अकाउंट खोल के अगर इस ट्रिक को अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इससे ये रहेगा कि आप लोग साथ के साथ मेरी वीडियो को देखते देखते भी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोगों को दो स्क्रीन शॉट की जरूरत पड़ेंगे जिसमें कि एक तो आप लोग अपने इंस्टाग्राम में ले लोगे बट गाइस दूसरा जो स्क्रीन शॉट होगा वो आप वहाँ पे नहीं ले पाओगे, इसलिए गाइस वो स्क्रीन शॉट जो है मैं आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोगों को वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पे ट्रिक को जो है मतलब स्टार्ट करनी है ठीक है। बाकी चले गए आज की इस वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पे करने के गाइस यहाँ पे आप लोग को अपने जीमेल ऐप को ओपन करना है गाइस ठीक है यहाँ पे एंड इसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन कर लोगे तो आपको यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन दिखेगा नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली आपको एक बार टैप करना है। यहाँ पे जैसे आप टैप करोगे तो गाइस यहाँ पे जो टू में जो आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम का सिंपली यहाँ पे जो जीमेल को ऐड कर देना है यहाँ पे लिखा हुआ सपोर्ट ठीक है, ये वाला जैसे कि आप दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोग देख लो support@instagram.com ठीक है। यहाँ पे आप लोग इतना जो है यहाँ पे टाइप कर देना या फिर आप कॉपी भी कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आप लोगों को मैं ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक सब्जेक्ट में लिख देना अबाउट सम ग्लिचेस ठीक है, इसके बारे में मतलब ग्लिच के बारे में हम यहाँ पे जो है मतलब कि कुछ मेल कर रहे हैं ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली टाइप क्या करना है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप सभी को। यहाँ पे सिंपली आप लोग यहाँ पे लिखना डियर इंस्टाग्राम एंड उसके बाद जो भी आपकी इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम चल रही है आपको टाइप कर देना है ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डियर इंस्टाग्राम एंड उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ठीक है, तो यहाँ तक हमारा इतना हो चुका है। तो अभी जो है यहाँ पे जो भी मतलब प्रॉब्लम है उसको मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो मतलब पढ़ सकते हो यहाँ पे जो भी मैंने टाइप किया ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है मतलब कि जो इंस्टाग्राम में मेरे जो ग्लिच है मतलब कि जब मैं स्टोरी अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे जो मतलब कि मेरा रील लोगो जो और यूज़र नेम है वहाँ पे रिमूव नहीं होता है, तो मैंने लिखा है कि यहाँ पे जल्द से जल्द आप इस ग्लिच को फिक्स कर दो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गया जो है बाकी आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, अगर आप चाहो तो गाइस ये सेम टू सेम भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आपको अपने तरीके से लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दे दूंगा। बाकी आपको अटैच वाली फाइल में जहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है अपने इंस्टाग्राम से, वो मैं आपको आगे बता दूंगा वो कैसा स्क्रीनशॉट लेना है एंड सेकंड स्क्रीनशॉट जो कि आपको जिसकी जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको दोनों यहाँ पे लेके इसको अटैच करके यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंड कर देना है गाइस ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे थोड़ा वेट करना है ठीक है, फिर उसके बाद आपको अगली चीज़ क्या करनी है वो उसकी चीज़ के ऊपर चलते हैं हम ठीक है। सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पे गूगल में जाना है यहाँ पे ठीक है, गूगल या किसी भी ब्राउज़र में आपको चले जाना है। जब गाइस यहाँ पे आप चले जाओगे तो आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, सर्च वाले आइकन में आपको यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे टाइप कर देना है गाइस ठीक है, लेटेस्ट वाला करना है और आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है। आप लोग सोचोगे कि तो हम प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते थे, बट गाइस अगर प्ले स्टोर से करना होता तो गाइस मैं आपको स्टार्टिंग में वही बताता, बट यहाँ पे प्ले स्टोर से हमें कुछ नहीं करना है ठीक है गाइस। तो आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ते रहना मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ। तो पहली वेबसाइट आएगी आपको, उसकी पहली वेबसाइट में जाना है, यहाँ से गाइस आप लोगों को जो लेटेस्ट वर्जन को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है ठीक है। तो उसको हम डाउनलोड करते हैं, लेटेस्ट वर्जन आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर टाइप करेंगे यहाँ पे और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना है, तो मैं इसको यहाँ पे पहले फटाफट डाउनलोड करता हूँ देन आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। बाकी गाइस जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि गाइस आप लोगों के इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील्स एंड वहाँ पे ग्लिच के अकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाकी ये वीडियो जब तक हमारी सेव हो रही तो वीडियो को लाइक कर लो गाइस ठीक है। तो यहाँ पे जो इतना हो जाने के बाद आप लोग करना है कि गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो मतलब इंस्टाग्राम जो ऐप है डाउनलोड हो चुका है, तो इतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करना है क्योंकि यार आपको सभी को पता है इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बाकी आगे बताता हूँ आपको आगे करना क्या है।
इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली करना है कि आप लोग उसको ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद आपके सामने जो है कुछ मतलब कि ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि आपको पता है कि मतलब कि यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह मांगेगा, पासवर्ड वासवर्ड, तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको जो है मतलब कि यहाँ पे टाइप कर देना अपना जो भी आपका आई डी वगैरह है। तो यहाँ पे मैं इसको अभी ब्लर कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरी आई डी को हैक करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, मुझे मालूम है, तो इसलिए अभी मैं जो है इसको यहाँ पे ब्लर कर देता हूँ। तो गाइस जितना हमारा हो चुका है, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे नोट नाउ पे क्लिक कर देना है, तो आपकी आईडी यहाँ पे जैसे लॉगिन हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में चले जाना। अपनी प्रोफाइल में जाने के बाद आप लोगों को 3 लाइन्स दिखेंगे, यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। बट उससे पहले आपको रील सेक्शन में जाना है, आपको एक स्क्रीनशॉट लेने को मैंने जो बोला था आपको वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेना है, मतलब कि आपकी जो रील अपलोड यहाँ पे चल रही है उसको यहाँ पे पहले एक बार जो है आपको स्टोरी में लेके जाना है, ठीक है। स्टोरी में लेके जाने के बाद आपको वहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो भी परमिशन वगैरह मांगेगा सबको अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ हो जाएगा तब उसके बाद जो आप लोग यहाँ पे सेम मतलब ऐसे छोड़ देना, अपलोड नहीं करना है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो यहाँ पे पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट जब आप ले लोगे तो उसके बाद आप लोगों को करना है, तो यहाँ पे पहले हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो आप लोगों को ये आपने जो मेल में जो मैंने बोला था आपको अपलोड करने के लिए कि ये वाला मेल में अपलोड करना है, और एक जो आगे बताऊंगा वहाँ पे भी आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना आप लोगों को, यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक बार फोन को शेक कर लेना गाइस आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप जो है मतलब कि आपको आपको यहाँ पे रोबोट ना लगो इसलिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर करना है, यहाँ पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर टाइप करोगे तो यहाँ पे इंक्लूड एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम था जैसे हमने वहाँ पे मेल में किया था वो सेम टू सेम भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे बट मैं थोड़ा सा अलग लिखूंगा तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, तो बाकी आप दोनों सेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपलोड के ऊपर क्लिक करना है एंड बाकी यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूँ ये भी, ठीक है। यहाँ पे मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे एंड अपलोड पे क्लिक कर लेने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जो स्क्रीन शॉट थे मैं उनके यहाँ पे अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके अपलोड होता है, यहाँ पर एक साथ दो नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे एक बार जो है एक एक करके अपलोड करते हैं इनको, तो यहाँ पे इसको हमने अपलोड कर दिया है, तो दूसरे वाले को भी ले लेते हैं यहाँ से, तो मैम दूसरे वाले को भी ले लिया। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सेंड कर दोगे तो गाइज आप लोग कुछ टाइम वेट करना है एंड जब तक गाइज कोई भी ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है क्योंकि गाइज आप लोग को वेट करना पड़ेगा इतना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।